तो गाइस अब ये वीडियो होगी बहुत ज़्यादा ऑसम, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा दो ह्यूज अपडेट्स, जो कि पहली है जुड़ी हुई यहाँ पे द उसोस के रिटर्न का डेट हो चुका है रिवील, और फिर दूसरा क्या था जॉन मॉरिसन का एक्सप्रेशन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके साइन होने की रूमर्स आई, सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहले बात शुरू करते हैं यहाँ पे जॉन मॉरिसन से ही। जैसे कि मैंने आपको दो तीन वीडियो पहले बताया था कि यहाँ पे जॉन मॉरिसन का रिटर्न होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ऐसा पीडब्ल्यू इंसाइडर ने रिपोर्ट किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन कर लिया जॉन मॉरिसन को। अब उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जॉन मॉरिसन ने अपने एक ट्वीट में लिखा थैंक्स टू पीडब्ल्यू इंसाइडर, और वो ऐसा थैंक्स करने पीडब्ल्यू इंसाइडर को, और ऐसा मतलब मजाक में बोलना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ पे AEW और फिर रिंग ऑफ ऑनर यानी ROH के साथ भी साइन करूँ, यानी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ, तभी मुझे इन्फॉर्म कर देना। यानी वो सिंपल बात करें अगर हम क्लियरली, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उन्होंने WWE के साथ कोई साइनिंग नहीं की है, वो मजाक उड़ा रहे हैं PW इंसाइडर का। लेकिन जहां तक मुझे लगता है और बड़े बड़े यहां पे रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यहां पे जॉन मॉरिसन सिर्फ हाइप बना रहे हैं अपनी स्पेशल एंट्रेंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो यहां पे रिटर्न था वो रिवील हो चुका है, जिससे वो WWE और जॉन मॉरिसन खुद भी हैप्पी नहीं है। तो इस वजह से शायद यहां पे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरप्राइज एंट्री के लिए WWE उनको प्लान कर रही हो, लेकिन यहाँ पे रूमर्स ने पहले ही रिवील कर दिया था, इस वजह से जॉन मॉरिसन ने यहाँ पे ऐसा ट्वीट किया। दूसरा अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उसूस का रिटर्न। अब जैसे कि मैंने बहुत पहले वीडियो आपको बताया था कि यहाँ पे जिमी उस और DUI के चलते अरेस्ट हो गए थे, जैसे उनके साथ कुछ ना कुछ कांड होते ही रहता है, इस बार वो DUI के चलते अरेस्ट हो गए थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ पे लीव कर दिया गया था, और फिर द उसो का रिटर्न कन्फर्म्ड हो चुका था। अब डेट भी रिवील ऑलमोस्ट हो चुका है, तो देखिएगा यहाँ पे रेसलिंग एजेंसी बता रहा है जो उनका डेट यहाँ पे रिवील हुआ है वो यहाँ पे अगला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यानी कि स्मैकडाउन का फॉक्स पे प्रीमियर। सो अब हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे द उसोस। अब रेसलिंग एजेंसी कोई छोटा मोटा सोर्स नहीं है, बहुत बड़ा सोर्स है, सो उसने रिपोर्ट किया है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। अब वहाँ पे से देखिए धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगती है। सो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे द उसोस में भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को, और शायद एक बार फिर से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने WWE फैंस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी प्रो रेसलिंग से जुड़ी अपडेट्स आते रहती हैं। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।